हेलो गाइस, वेलकम बैक योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद अरुण। और ये है डेटा एनालिसिस वीडियो फॉर मंडे। हम डेटा एनालिसिस करेंगे फॉर 20th of February, दिन रहेगा सोमवार। और डेटा देखते हैं किस हिसाब से बन के आया है। यहाँ पर अगर आप डेटा देखेंगे तो गाइस रिटेलर ने फ्यूचर निकाले हैं थोड़े से, स्टॉक फ्यूचर, और 199 बुलिश, 128 बुलिश, काफ़ी अच्छी बुलिश पोजिशन इन्होंने क्रिएट किए। FIA की मैं बात करूं तो ये 12,000 इन्होंने बाय किए हैं, लेकिन ये मुझे थोड़ा गलत लग रहा है। मैं बताऊंगा आपको क्यों गलत लग रहा है। बाकी ओवरऑल पोजीशन ये देखेंगे, यहाँ पर तो बैरिश बना के गए हैं। यहाँ पर 11,340 इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर बेचे हैं, 73,000 इन्होंने कॉल्स बेची हैं, और पुट भी बाय किए हैं विच इज 66,000 के आसपास। और एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में वॉल्यूम के साथ में प्रोज ने भी सेम स्ट्रैटेजी की है। DIS का उतना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन अगर आप नेट बेसिस पे देखेंगे तो आपको पिक्चर काफ़ी क्लैरिटी के साथ में दिखाई देगी। देखिए, हम 65 to 67 रिटेलर थोड़े से बुलिश है, नो डेटा चेंजेस, 12 से 14 नो डेटेड, 70 से 80 नो डेटा, तो यहाँ से तो साइडवेज मार्केट दिख रही है। मिक्स डेटा है, यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इंडेक्स फ्यूचर की तरफ से। कॉल्स की तरफ से आप डेटा देखने की कोशिश करेंगे तो जो 45,000 इन्होंने कॉल राइटिंग कर रखी थी, वो बाय करने के बाद अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख बाइंग की है इसने ओवरऑल। देखिए, इंडेक्स कॉल 2 लाख बाइंग की है, तो यहाँ पर ये राइटिंग की जगह बाइंग साइड पे आ गए हैं। 1,54,000 विच इज़ बुलिश, विच इज़ मेकिंग दैम वेरी बुलिश। और यहाँ बात करें तो 198 से 125 रह गए। इन्होंने थोड़ा अपना जो है प्रॉफिट बुक किया मुझे लग रहा है, या लॉस बुक किया है, जैसे भी FIA ने थोड़ी सी निकाला, विच इज़ बेरिश। इन्होंने 1,55,000 से 2,81,000 कर दिए प्रोज ने। दैट मीन इनको सप्लाई करने वाला रिटेलर्स को कौन है? प्रोज। अगर प्रॉफिट में रहता है या लॉस में रहता है, सिनेरियो जो भी रहेगा वो प्रोज रहेगा। बट मेन डेटा पुट का देखने वाला है। इस मैंने अपनी जिंदगी में, इनफैक्ट जिंदगी में नहीं, पिछले दो से ढाई साल के बीच में ऐसा डेटा नहीं देखा है। आई हैव नेवर सीन रिटेलर बाइंग 4,93,100, मोर देन क्लोज टू 5 लाख पुट राइटिंग। इसका मतलब ये पूरा कॉन्फिडेंट नहीं है, ये भाई भयंकर कॉन्फिडेंट है कि मार्केट ऊपर जाएगी, जिस हिसाब से कॉल रेटिंग करके गए। उस हिसाब से FIA ने जो काम किया है वो है 4,45,000 पुट बाय कर रखे हैं। भाई ये दोनों नंबर मैंने नहीं देखे, ना रिटेलर के ना FIA के, इतने नंबर नहीं देखे। 3.5-4 लाख देखा है, 4 लाख के ऊपर जाते हुए नहीं देखा है, मतलब 4.20 भी देखा है मैंने, ये 4.45 करके चला गया, 4.45 इज ह्यूज नंबर। बी रेडी नेक्स्ट वीक, बी रेडी किस चीज़ के लिए? या तो आपको एक शॉर्ट कवरिंग रैली दिखाई देगी ऊपर की तरफ, अगर ये और ये, मतलब ये ट्रैप, प्रोज और FIA ट्रैप होते हैं और रिटेलर्स किसी वजह से जीतते हैं, ठीक है, तो मार्केट एक तगड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली देगा आपको, मार्केट एक बहुत स्पीड के साथ में ऊपर जाएगी। दूसरा याद रखेगा, एक इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट लेवल हमने एनालिसिस वीडियो में दिया, अगर वो टूटते हैं तो मार्केट फिर से नीचे की तरफ आपको जाता हुआ दिखाई देगा। एक लॉन्ग अनवाइंडिंग, मतलब ये जो बकरा कटने के लिए तैयार है ना, मतलब शेयर के सामने मांस फेंक दिया है, 4,93,000 पड़ा है, खा लो, ये कटने को तैयार है। तो या तो बकरा कटेगा और सब में बटेगा, या FIA और प्रोज के बीच में बटेगा, या होगी रिटेलर्स की जीत और ये FIA और प्रोज को काट के ये शॉर्ट कवरिंग रैली लेके जाएंगे। डेटा क्या बोल रहा है? डेटा में गाइस हमेशा तवज्जो जो दी जाती है वो दी जाती है हमारे स्मार्ट मनी को, तो स्मार्ट मनी इज वेरी बेरिश, स्मार्ट मनी इज नॉट बेरिश, वेरी बेरिश, और रिटेलर्स आर वेरी बुलिश। स्मार्ट मनी इज वेरी बेरिश एंड वेरी बुलिश। सो ऊपर FIA नहीं जाने देंगे, नीचे रिटेलर नहीं जाने देंगे, मार्केट हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के बीच में ही रहने वाला है। और अगर वो मार्केट ऊपर का लेवल तोड़ता है तो शॉर्ट कवरिंग रैली, नीचे की तरफ तो लॉन्ग अनवाइंडिंग आपको आती हुई दिखाई देगी, लॉन्ग अनवाइंडिंग आपको देखने को मिलेगी नीचे की तरफ। अब वो क्या होगा, एनालिसिस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ में लेवल शेयर कर दूंगा, कौन से इंपॉर्टेंट एंड की लेवल्स हैं जिनके ऊपर हमें प्ले आउट करना है, बाई साइड पे और सेल साइड पे। फिलहाल मार्केट जो है वो एक गैप अप दिखा रही है, क्या वो एक ट्रैप है या मार्केट वो सस्टेन कर पाएगी? मुझे लगता नहीं है कि जितनी पुट राइटिंग है FIA इसको सस्टेन नहीं करने देंगे, और मार्केट खुलते के साथ में कुछ नया दिखाने वाली है आपको, उसके लिए तैयार रहेगा। बाकी एनालिसिस वीडियो आपको आज शाम को या कल मॉर्निंग में आती हुई दिखाई दे जाएगी।
हैप्पी महाशिवरात्रि टू एवरीबडी इन एडवांस, एन्जॉय योर वीकेंड और महाशिवरात्रि को एन्जॉय कीजिए, आज की रात्रि को एन्जॉय कीजिए, फिर मुलाकात होगी कल जो हमारा बैच शुरू हो रहा है 19th of February को। और आपने बुक अगर सीट बुक करा ली है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं बुक कराई है गाइस सीट अभी तक, आपके पास अभी भी मौका है शिवरात्रि के उपलक्ष पे 12 बजे तक PVR बुकिंग इज आर ऑन और यू कैन रजिस्टर, कैन यूज़ कूपन कोड TWT3000 और उसके अंदर आपको वो डिस्काउंट मिल सकता है। ठीक है, कल से शुरुआत होगी डे वन की ऑफ ट्रेडिंग मास्टरी वर्कशॉप एंड अनफॉर्चुनेटली नेक्स्ट मंथ देर विल बी नो बैच फॉर ट्रेडिंग मास्टरी, तो एक दो महीने बाद ही होगा जो बैच होगा, तो दिस इज़ द लास्ट बैच फॉर दिस क्वार्टर आई गेस, और नेक्स्ट मंथ आई प्लान समथिंग एल्स। तो अगर आपको ज्वाइन करना है, अगर आप सोच रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ करेंगे, नेक्स्ट मंथ नहीं हो पाएगा, इसी बैच में ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप सीख सकें और जीत सकें। चलिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फिर मुलाकात होगी चलती मार्केट में, तब तक के लिए हंसते रहिए, साथ रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। आई विल सी यू गाइस इन द मार्केट, हैव अ वंडरफुल इवनिंग, बाय।